हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारी इस लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है आपका? हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और कॉम्प्लीमेंट के अंदर किसी भी सेट के वो एलिमेंट्स आते हैं जो आपके यूनिवर्सल सेट में तो बिलोंग करते हैं लेकिन आपके उस सेट के अंदर बिलोंग नहीं करते। कॉम्प्लीमेंट के लिए जो सिंबल लिखा जाता है वो ये सिंबल हम यूज करते हैं। किसी भी सेट के ऊपर अगर आपको ये सिंबल मिले तो आपको ये समझना है वहाँ पे कि आपको कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है। इसके बाद इसकी डेफिनेशन जैसे मैंने बताई, इसके अंदर वो एलिमेंट्स आते हैं जो यू में तो बिलोंग करें आपके यूनिवर्सल सेट में तो, लेकिन ए में बिलोंग ना करें। जिस भी सेट में पूछे गए हैं उसमें बिलोंग नहीं करने चाहिए। इसके बाद बोला गया इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में क्या होता है आपका, अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसी के मैट्रिक्स के कॉम्प्लीमेंट से यूनियन किया जाए तो यूनिवर्सल आ जाता है आपका पूरा सेट, और इंटरसेक्शन किया जाए तो वहाँ हमें एम्प्टी सेट मिल जाता है। इसके बाद है डी मॉर्गन लॉ, इम्पोर्टेंट लॉ है, क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं आपके। इसमें पूछा गया है अगर दो सेट का जो यूनियन है उसका हम कॉम्प्लीमेंट लें तो कॉम्प्लीमेंट कैसे होगा, दोनों सेट का आपका कॉम्प्लीमेंट और जो साइन यूनियन का था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ है आपके पास और फिर दो सेट का आपके पास कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है तो आपको क्या करना है, जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में चेंज होगा और दोनों सेट्स के कॉम्प्लीमेंट्स। इसके बाद है डबल कॉम्प्लीमेंट, इसको बोला जाता है डबल कॉम्प्लीमेंट। किसी भी सेट का अगर हम डबल टाइम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वापिस से वो ही सेट आ जाता है। इसके बाद है हमारे पास एम्प्टी सेट और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट वापस से यूनिवर्सल सेट होता है और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट हमारा होता है एम्प्टी सेट। ये हमारी इसकी थी प्रॉपर्टीज। अगर इसमें हमें कहीं पर भी कोई डाउट है तो जब हम ये हमारी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके सभी डाउट्स वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए पहले सवाल में क्या बोला गया है, यूनिवर्सल आपको दिया हुआ है 1 से 9 तक है, ए बी सी आपको दिए हुए सेट और आपको यहाँ बता दिए कि किस किस के आपको कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। इन फर्स्ट पार्ट दे आर आस्किंग दैट ए कॉम्प्लीमेंट मींस यू माइनस ए, हेयर यू इज 1, 2, 3 up to 9 एंड माइनस 1, 2, 3, 4। सो Here is our A complement is 5, 6, 7, 8, 9. In second part, they are asking about B complement. In B complement 2, 4, 6, 8. इनको छोड़कर बाकी के जितने भी यूनिवर्सल में एलिमेंट हैं वो सारे B complement में जाएंगे आपके। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। थर्ड में आपसे बोला गया है ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। पहले हम ए यूनियन सी निकाल लेते हैं फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी, आपके पास ए और सी ये है यूनियन में, आपको पता है कि दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो कंबाइन करके लिखे जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमसे पूछा गया है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब जो जो एलिमेंट्स आए हैं हमारे उनको आप यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। तो U में से जब माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 1 to 6 तक हमारे कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा आपका 7, 8, 9। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे A यूनियन B। A यूनियन B 1, 2, 3, 4 and 6, 8। आफ्टर दैट दे आर आस्किंग इट्स कॉम्प्लीमेंट। इसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से आपके पास एलिमेंट होंगे इनको छोड़कर। तो यूनिवर्सल से हम देख रहे हैं तो यूनिवर्सल में आप छोड़ देंगे इन एलिमेंट्स को, तो यहाँ तक 5, 7 and 9। फिर आपसे पूछा गया है डबल कॉम्प्लीमेंट पांचवे में। तो कॉम्प्लीमेंट अगर हम निकालें ए का तो 4 तक आपके पास इसमें है, तो यूनिवर्सल में आप 4 तक छोड़ेंगे तो आपके पास आता है 5, 6, 7, 8, 9। अब इन्होंने कहा इसका वापस से कॉम्प्लीमेंट लें, तो अब हमें ये एलिमेंट छोड़ने हैं और यूनिवर्सल में देखना है कौन से बचे हुए हैं इनके अलावा। 5, 6, 7, 8, 9 ये छोड़ने हैं आपको, तो अब कौन से मिलेंगे 1, 2, 3, 4।
तो वापिस से हमें वही सेट मिल जाता है जिसका हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं डबल कॉम्प्लीमेंट में। तो यही यहाँ पर ये मैंने आपको लिखवाया था डबल कॉम्प्लीमेंट हो तो वापिस से वही सेट आता है। तो आप देखेंगे जब हम डबल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो वापिस से ए निकल के आया हमारे पास। इसके बाद है बी माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम निकालेंगे बी माइनस सी। आपको बताया गया था बी माइनस सी में डेफिनेशन में कि एक्स यानी कि वो एलिमेंट जो आपके बी में बिलोंग करते हैं लेकिन सी में बिलोंग नहीं करते। तो आप देखेंगे बी माइनस सी जब निकाल रहे हैं तो टू फोर आपका कैंसिल हो गया, यहाँ आएगा टू, फोर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास आ चुका है सिक्स, सिक्स भी इसमें है नहीं होगा, एट, टू एंड एट। अब हमसे पूछा गया है इसका कॉम्प्लीमेंट, तो जो यूनिवर्सल सेट है उसमें ये एलिमेंट हटा दो और बाकी के सब हम लिख देंगे वन थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन। इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, जिसमें आपसे पूछा गया है यूनिवर्सल आपको दिया है और जितने भी सेट दिए हैं उनके हमें कॉम्प्लीमेंट यहाँ फाइंड करने हैं। तो कॉम्प्लीमेंट आपके पास यहाँ आ जाता है ए का दूसरे का पहला भाग है, ए आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए बी सी, इसको छोड़कर जो एलिमेंट आ रहे हैं दैट इज डी ई एफ जी एच। दूसरे भाग में बी कॉम्प्लीमेंट पूछा गया है तो आप डी ई एफ जी छोड़ेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ए बी सी एच। तीसरे भाग में सी जो आपका दिया हुआ है सी पार्ट में सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए सी ई जी अगर हम छोड़ें तो बी डी एफ एच। नाउ इन फोर्थ पार्ट डी कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू लीव अवर एलिमेंट एफ जी एच ए, सो वी गेट बी सी डी ई एफ जी एच, हेयर इज ऑल्सो एफ जी एच ए इज ए, सो वी विल नॉट टेक अवर ए एलिमेंट, सो इट दिस बिकम अवर डी कॉम्प्लीमेंट सेट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर थ्री वी हैव टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट, सो सॉल्यूशन ऑफ थ्री पार्ट फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट इज एक्स, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, हियर आवर यूनिवर्सल सेट इज नेचुरल नंबर, वी हैव टू फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। इफ इवन नेचुरल नंबर मीन्स इट्स कॉम्प्लीमेंट बिकम एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, इन सेकंड वी हैव गिवन ऑड नेचुरल नंबर सो इट्स कॉम्प्लीमेंट बिकम even natural number, complements हम find कर रहे हैं यहाँ पे। In third, x is positive multiple of 3, so in complement x is not a positive multiple of 3. In fourth, x is prime number. In complement, x is not a prime number. In fifth, x is natural number divisible by 3 and 5. So complement x is a natural number not divisible by 5 and 3. In 6, x is a perfect square. In complement, x is not a perfect square. Seventh, x is a perfect cube. Complement, x is not a perfect cube. Seven.
11th, x plus 5 equal to 8. X, where x is not equal to 8 minus 5, that is 3. Is not equal to 3. Here we have given 8 minus 5, 3. So, not equal to 3. In 9th, we solve this 2x plus 5 equal to 9. 2x equal to 9 minus 5. 2x equal to 4. Here x equal to 2. So in complement we write x where x is not equal to 2 in complement. In 10, x is greater than equal to 7. So in complement x is less than 7. In 11th, x belongs to natural number and 2x plus 1 greater than 10. Firstly, we solve this 2x plus 1 greater than 10. 2x, 10 minus 1, 9. And x is 9 by 2. X is greater than 9 by 2. Means, here is 9 by 2. We can write 4.5. Natural number hai aapka aur greater hona chahiye 4.5 से, यानी कि हमारे पास 5 से ग्रेटर इसमें नंबर आ रहे हैं, तो आप यहां लिखेंगे इन 11th इट्स कॉम्प्लीमेंट इज x, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 9 बाय 2. हियर वी हैव गिवन ओनली द ग्रेटर साइन, सो इन कॉम्प्लीमेंट वी राइट हियर लेस देन एंड इक्वल. इन question number 4, we have given the universal set and asking about A union B complement is equal to A complement intersection B complement. We know that this is our De Morgan's law. Here we have given solution of question number 4, part first. A union B complement is equal to A complement intersection B complement. Left hand side, A union B, firstly we find A union B. A union B, here A is this and B is this. We write all the elements of A and B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now we take its complement, we get, after leaving these element, we write the except element of U, that is 1 and 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 and 9 only. Here right hand side is A complement. Here A complement is, here this is our A. So A complement is 1, 3, 5, 7, 9. And B complement is 1, 4, 6, 8 and 9. Now we have to take our intersection A complement, B complement. So intersection we write only the common element, that is 1 and 9. So you can see here left hand side equal to right hand side. Its second part, we have to find intersection A intersection B. We are taking left hand side here. A intersection B. Common element is 2. Only 2. Now taking its complement, we get 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Now right hand side, A complement. A complement we already find it. We write it from there. 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, 9. And B complement is 1, 4, 6, 8, 9. Now we have to take their union. In union we know that we have to take all the elements one time which are coming in our set A complement and B complement. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is our
left hand side 1 3 4 5 6 7 8 9 and this is our right hand side. So we can see that our left hand side is equal to right hand side. Now in question number 5, we have to draw our Venn diagram. First part, A union B its complement. This is our Venn diagram. This is our U, A and B. A union B, this one. We have to find its complement. Means after leaving these element, this is our A union B complement. Blue part, blue shaded part is our A union B complement. In second, we have to find A complement intersection B complement. In De Morgan's law, we know that A union B complement is equal to A complement intersection B complement. So here we are asking that A complement intersection B complement. So the Venn diagram of this and this will be equal. So the same diagram will be, we can make here A and B. This is our union U and its complement become this shaded part, A complement intersection B complement. Now in third, A intersection B complement. So intersection is this one, A intersection B, but we have to find its complement. So after leaving this element, this blue part, after leaving this element, this is our A intersection B complement. Now in fourth, A complement union B complement. Here we can also see this is our De Morgan, this equal to this. So the same diagram will we make here, this equal. Here is A complement is this part. A and B. And B complement is this part. So this blue portion is our A complement union B complement. In question number 6, they are asking that you be the set of triangle in plane if the set of all the triangle with at least one angle different from 60 degree. So they are saying that the set of triangle in which no triangle is equilateral. Here A is the set of triangle in which no triangle is equilateral, because we know that in equilateral triangle all the angles are 60 degree. Here they are saying that at least one angle is different from 60 degree. So no triangle is equilateral triangle. So in its complement,
द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल. Here is, if no set is equilateral triangle, so its complement is become the set of equilateral triangles. Now, in question number 7, in 7th question, they are asking that to fill up the blank, in first part, A union A complement, it become again universal set. In second, phi complement intersection A. We know that phi complement is become U intersection A. So it becomes the smallest set A. In third, A intersection A complement. No element is common and their intersection becomes MPT. In fourth, universal complement intersection A. Universal complement, we know that it becomes phi intersection A. So intersection becomes phi. This is our exercise 1.5. In our next video, we will see the exercise 1.6. Thank you.